सुपोषित मां अभियान में पधारी हमारी माताएं बहनें, उनके सहयोग के लिए पधारे हमारे सब भाई और इस काम के सहयोग के लगे लगी समाज की सभी कार्यकर्ता, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने उस सुपोषित मां और गर्भवती मां की चिंता की। दूर दराज के गांव में जाकर ऐसी गर्भवती महिलाएं जो आने वाले समय के अंदर भारत की धरती पर एक जननी के रूप में एक देशभक्त नौजवान देने वाली है, वह मां स्वस्थ रहे, उनके होने वाला बेटा बेटी स्वस्थ रहे, इसकी आप सबने चिंता की और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहां के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, केसाय पाटन की विधायिका बहन चंद्रकांता जी, तालेड़ा पंचायत समिति के प्रधान साहब, इस संस्था के जो निदेशक हैं ऋषि कुमार सिंह जी और इस संस्था को सहयोग करने वाले फाउंडेशन, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरे सामने जो मेरी माता बहनों को देख रहा हूं, उन माता बहनों के मन में एक भाव है कि मेरे होने वाला बेटा और बेटी स्वस्थ रहे। और इसीलिए एक प्रयास है हमारा कि जो देश के अंदर मातृ शिशु दर और शिशु मृत्यु दर उसको किस तरीके से हम निम्नतम स्तर पर ला सके, न्यूनतम स्तर पर ला सके और उसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और समाज को एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हर गर्भवती मां स्वस्थ रहे और उसके होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे, यह हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं मां की संवेदनाओं को समझता हूं, उनकी दर्द को, उनकी पीड़ाओं को समझता हूं मां का प्रयास रहता है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनको पहले पूरा भोजन मिल जाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी होने के बाद वह अपना भोजन और प्रबंध करने का काम करती है। यह हमेशा हर मां की संवेदना रहती है। और इसीलिए हमारा समाज
अलग संस्कृति अलग संस्कारों का समाज है। यहां पर त्याग बलिदान सेवा संपूर्ण परिवार के लिए समर्पण ये मां ही जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो संवेदना की मूर्ति वो त्याग की मूर्ति वो समर्पण सेवा की मूर्ति की चिंता समाज करे। और इसीलिए सुपोषित मां अभियान एक अभियान है जिसके अंदर 9 महीने तक एक मां को पौष्टिक आहार मिले, विटामिन मिले, मिनरल मिले और विटामिन मिनरल की जो कमी है जो पौष्टिक आहार से पूर्ति हो सकती हो पौष्टिक आहार मिले और जो पौष्टिक आहार से पूर्ति न हो सके उसमें अगर विटामिन की कमी हो खून की कमी हो तो उसकी दवाइयों का प्रबंध हो। मेरा विश्वास है कि अगर एक मां को गर्भवती होने के बाद उसको पौष्टिक आहार मिल जाए और बच्चे पैदा होने तक उसकी सारी मेडिकल जांच हमेशा होती रहे तो मां भी स्वस्थ होगी और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। और इसलिए सरकारों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा माताओं के लिए संवेदना के साथ काम करते हैं, उन्होंने भी कई योजनाएं चालू की है, लेकिन सरकार के साथ समाज की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि उनके गांव में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं की चिंता वहां पर रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता करें। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें आशा सहयोगनी एनएम चिंता करती है, लेकिन एक एक गांव के अंदर समाज सेवी महिला अगर इस बात की चिंता करने लगे और उसको आवश्यक सलाह देती रहे जहां उसकी मेडिकल की जांच की आवश्यकता हो वहां हर महीने मेडिकल की जांच हो, जहां अगर खून की कमी है विटामिन की कमी है तो उसकी विटामिन और खून की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे तो मां भी स्वस्थ होगी और होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ होगा। और इसीलिए सुपोषित मां भी का भी यही पहल है और हमारा संकल्प है कि हर गर्भवती मां जो बच्चा पैदा करने वाली है वह भी स्वस्थ रहेगी और उसकी होने वाली संतान भी स्वस्थ होगी। यह हमारा अभियान है और इस अभियान को हम पूरा करेंगे, अंतिम संकल्प तो पूरा करेंगे। अच्छे मनोभाव से किया हुआ संकल्प सिद्धि तक जरूर पहुंचता है, अच्छे मनोभाव से करने वाला काम निश्चित रूप से अंतिम समय तक पूरा होता ही होता है। और मैंने मां के दर्द को देखा है, इसमें कई सारी मांएं हैं जो गर्भवती होने के बाद भी अपने परिवार को पालने के लिए उनकी 2 रोटी के इंतजाम के लिए गर्भवती महिलाएं अभी भी तपती धूप में काम करती है, खेत में काम करती है, मजदूरी का काम करती है, कोई घर पर काम करती है, कोई फैक्ट्री में काम करती है। उस मां को
स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने तो कई माओं को देखा है कि बच्चा पैदा होने के बाद 15 दिन के अंदर ही वह काम पर चली जाती है अपने परिवार को पालने के लिए। बच्चे को पालने में रखकर या धूप में कहीं टेम्परेरी झूला लगाकर और उसको कुछ वो खेलता रहता है, मैंने देखा, और माएं काम करती रहती हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर दो टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं होगा तो परिवार में चूल्हा कैसे जलेगा। मैंने कई माओं से पूछा, मैंने कहा 15 दिन हुए हैं, बड़े खानदान की महिलाएं तो बच्चा पैदा होने के बाद साल भर तक काम पे नहीं जाती, सरकारी नौकरी पर भी उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है। उन्होंने कहा कि मां को घर को चूल्हो कौन जलाओगे, मां का पति और उनका बच्चा को खाना को इंतजाम कौन करो। ये चिंता मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी है। मैंने कई खेत कल्याण के अंदर, कई फैक्ट्री के अंदर, कई रोड साइड पर काम करते हुए गर्भवती महिलाओं को तपती धूप में देखा है, क्योंकि शाम को उनको घर का चूल्हा जलाना है। उनके चूल्हे का इंतजाम हमें करना है और इसलिए गर्भवती महिला को किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पोषण से लेकर उसकी मेडिकल जांच से लेकर उसको बच्चा होने की प्रक्रिया तक, उसकी डिलीवरी तक हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है, उनके सहयोग के लिए खड़ी है। हर महिला मेडिकल जांच करने के लिए डॉक्टर की टीम आएगी, जिस जिस चीज की आपकी कमी रही उस कमी अगर पौष्टिक आहार से हो सकती है तो वह पौष्टिक आहार और उपलब्ध कराया जाएगा, दवाइयों की आवश्यकता होगी तो दवाइयों की उपलब्ध कराई जाएगी, समय पर वैक्सीनेशन हो उस वैक्सीनेशन का प्रबंध किया जाएगा और डिलीवरी के समय सुरक्षित मातृत्व हो उसके लिए भी इंतजाम किया जाएगा। आवश्यक डॉक्टरों की टीम आपकी नियमित रूप से निगरानी रखेगी ताकि एक हम स्वस्थ बाप स्वस्थ बच्चे को देख सके, ये सपना हमारा पूरा हो सके। अभी मुझे एक भैया मिला था, हाथ में बच्चा था 1 महीने का। उन्होंने कहा कि मेरे को 9 महीने तक इसी तरीके से पौष्टिक आहार मिला, आज मेरा बच्चा स्वस्थ है। कोटा के अंदर मैं जब 9 महीने बाद मैंने कार्यक्रम का समापन किया तो उन महिलाओं को बुलाया तो उनके चेहरे पे खुशी थी, चिलचिलाहट थी बच्चे पर। कई मां ने कहा कि देखो मेरा पहला बच्चा कैसा था, दूसरा बच्चा कैसा है। मेरा विश्वास है, भरोसा है, आप सब गर्भवती मां अगर इस पौष्टिक आहार में और कमी आए तो और आप बताना, जितना अच्छा आहार आप लेंगी, जितना मन स्वस्थ रखेंगी उतना ही अच्छा आपका बेटा बेटी होगा। और बेटा हो तो ठीक और बेटी हो तो जिम्मेदारी हमारी है, हम उस बेटी का भी इंतजाम करेंगे। क्योंकि बेटियां ठीक से परिवार को संभालती है, मेरे भी 2 बेटियां हैं। बेटियां जहां पैदा होती है उस घर को ही संभालती है और जहां शादी होने के बाद उस परिवार को संभालती है। यह भारत की संस्कृति है, 2-2 परिवार संभालने की संवेदना है तो माओं में। और इसलिए हमारे मन की यह इच्छा है
हमारा सपना यही है कि हमारी हर गर्भवती मां खुशहाल रहे, पौष्टिक आहार से समृद्ध रहे और उसका बेटा और बेटी भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। आपको निवेदन करना चाहते हैं, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस कॉन्टेक्ट पर टेलीफोन करें, आपके घर पर डॉक्टर देखने आएंगे, आपको हॉस्पिटल में ले जाने की दिक्कत होगी तो उसका इंतजाम करेंगे, आपको और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होगी तो वो उपलब्ध कराएंगे, आपको खून की आवश्यकता होगी तो खून उपलब्ध कराएंगे, आपको विटामिन और दवाइयों की आवश्यकता तो वह आपके घर बैठे उपलब्ध कराएंगे, आपको किसी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं, ये परिवार आपके साथ है और हमारा सपना है कि हर मां स्वस्थ रहे, बच्चा स्वस्थ रहे, एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत का सपना हम पूरा कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, तपती धूप में आइए, अब अगली बार आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके घर पर हम ये होम डिलीवरी सिस्टम से आपके घर तक पहुंचाएंगे और वहां ही गांव में आपकी मोबाइल वैन गाड़ी आएगी जो आपकी चेकिंग करेगी और नियमित चेकिंग कराना है। मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि व्यक्ति इतना लापरवाह होता है कि कोई मशीन की, कोई गाड़ी की जिस दिन डेट होती है उस समय उसको कहता है कि साहब इसका रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का समय हो चुका है और व्यक्ति खुद के लिए जांच नहीं कराता है, सब ठीक से, ऐसा नहीं है, नियमित जांच कराना ही कराना, या आप मानकर चलो कि नियमित जांच होनी चाहिए, दो महीने में कम से कम जांच होनी चाहिए, कोई आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आपको डॉक्टर कोई पीस लेता है, आपका पीस नहीं है, हम आपका उपलब्ध कराएंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपका एक टेलीफोन का कॉल, उस कॉल के बाद सारा काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी हर मां स्वस्थ रहे, सुपोषित हो, सपना पूरा हो, इसके लिए आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।